सारा सही कदम स्टार्स यानी कि स्टार्स तारे इंडिया या हमारा देश का नाम है भारत नेसेसिटी यानी कि जरूरत दिवाली दिवाली जब हम दिवाली का त्यौहार होता है वो दिवाली है द लायन यानी कि सेब द अर्थ यानी कि पृथ्वी जो हमें ब्रैकेट में शब्द दिए हैं इसके हमें टेंस पूर्ण है फर्स्ट प्लैनेट्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट यानी कि रात में हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं तो यहां लिख रहे हैं स्टार एस टी ए स्टार्स लिखा हुआ है इधर एस टी ए आर स्टार्स यहां लिखना है स्टार्स स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट यानी कि रात में तारे हमें आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं सेकंड वाला ब्लैंक मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स ब्लैंक यानी कि हमें टीचर का रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करना चाहिए तो यहां आएगा वी वी का मतलब होता है हमें हम सबको हमें टीचरों का सम्मान करना चाहिए यानी कि शिक्षक का सम्मान करना चाहिए इसीलिए लिखा है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स ब्लैंक सेवन नाइन यह मतलब होता है स्टिक इन टाइम यानी कि ठीक समय पर उठाया गया सही कदम हमारा टाइम यानी कि समय बचाता है तो यह लिखना है स्टिक इन टाइम स्टिक इन टाइम सेव अस टाइम यानी कि सही समय पर उठाया गया सही कदम हमारा टाइम यानी कि समय बचाता है फॉर व्हाट ब्लैंक्स इज द मदर ऑफ इन्वेंशन इसका मतलब होता है नेसेसिटी एन ई सी ई डबल एस आई टी वाई नेसेसिटी यानी कि जरूरत एन ई सी ई डबल एस आई टी वाई नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन यानी कि जरूरत ही इन्वेंशन यानी कि खोज जरूरत ही खोज की माता यानी कि मदर होती है ब्लैंक्स इज माय कंट्री यानी कि हमारा देश कौन सा है तो इंडिया आई एन डी आई ए इंडिया आई एन डी आई ए इंडिया भारत हमारा देश है ब्लैंक्स रिवॉल्व्स राउंड द सन यानी कि कौन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो द अर्थ यानी कि पृथ्वी द अर्थ द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है ब्लैंक्स इज कॉल्ड द किंग बीस यानी कि किसको जानवरों का राजा कहा जाता है तो द लायन द लायन द लायन द लायन इज कॉल्ड द किंग बीस यानी कि शेर को जानवरों का राजा कहा जाता है ब्लैंक्स इज द फेस्टिवल ऑफ लाइटिंग किस त्योहार में हम लाइटिंग यानी कि रोशनी करते हैं तो दिवाली दिवाली पे हम